सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हो गए, मज़े में हो गए। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो स्प्लेंडर मेरे पीछे आपको देख रहे हैं उसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। जो मेरा फ्रेंड है देवांग भाई, उसने लद्दाख के लिए स्प्लेंडर को रेडी किया है। तो क्या क्या इंस्टॉल किया है, कितने प्राइस में क्या चीज़ पड़ा है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और जो स्प्लेंडर आपको दिखाने वाला हूँ वो भाई ने पूरा लद्दाख के लिए रेडी किया है। तो भाई लद्दाख की राइड करने वाला है, तो अभी से प्लानिंग कर रहा है, तो गाड़ी को एकदम प्रॉपरली तरीके से एकदम बना रहा है अभी। तो अभी तक भाई ने क्या क्या सब कुछ बनाया है गाड़ी में वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग आ जाते हैं गाड़ी के लुक के ऊपर। तो गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से रैप देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से टाके का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भाई ने अपना इंस्टाग्राम का जो आईडी स्प्लेंडर राइडर 2035 दिया हुआ है, तो भाई को इंस्टा पे सपोर्ट भी करें। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे पीछे। तो यहाँ पे भाई ने टॉप बॉक्स भी गाड़ी पे लगाया है, और साथ ही साथ में यहाँ पे यूट्यूब का जो है स्प्लेंडर ट्रैवलिंग 2035 अपना आईडी भी दिया हुआ है। तो भाई को ये यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें। तो ये टॉप बॉक्स की मैं बात करूँ तो भाई ने जो है सामान रखने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है, और 3 लीटर का है। तो आपको अंदर से भी चेक करवाता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से अंदर से स्पेस देखने को मिल जाएगा, और 3 लीटर का जो है ये बॉक्स है। तो यहाँ पे कुछ इतना स्पेस मिलेगा सामान रखने के लिए, और ये लगाने से आपको काफ़ी सारा अच्छा रहेगा, क्योंकि सामान भी आप लॉन्ग राइड पर इसमें रख सकते हो। बॉक्स की मैं बात करूँ तो ये 1500 रुपये का बॉक्स आया था, और इसके अंदर जो नीचे प्लेट लगी हुई है ये वाली प्लेट, तो ये भाई ने बाहर से इंस्टॉल किया था। ये बॉक्स के साथ में नहीं आई थी। तो ये प्लेट भी 1500 रुपये की भाई को पड़ी है। तो ये 1500 रुपये की प्लेट लगाई है। तो कुछ ये टोटल खर्चा इसका 3000 का हुआ है। तो अभी मैं साइड पे लेकर चलूँ तो यहाँ पर भी गार्ड लगाया हुआ है। वो साइड तो कंपनी से आता ही है, लेकिन एक साइड नहीं आता था, तो यहाँ पर भी लगाया है, क्योंकि सामान साइड पर बांधने की जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आसानी से सामान को बांध सकते हैं हम लोग, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं, लॉन्ग राइड करते हैं, तो सामान ज़्यादा लेके जाना पड़ता है। 500 रुपये में पड़ा है, बाहर से इंस्टॉल किया था, लेकिन कुछ भी चीज़ें जो ऑनलाइन नहीं मंगाई हुई है, सब शॉप से ही खरीदी है। तो ये 500 रुपये का भाई को पड़ा है। तो अभी मैं आगे ले कर चलूँ यहाँ पर। तो 2 स्विच लगाई है। 2 स्विच क्यों लगाई वो भी मैं आपको बताता हूँ, और 1 स्विच आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग आगे की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ पे भाई ने फॉग लाइट 2 लगाई हुई है। तो फॉग लाइट एक बार आपको मैं चालू करके भी बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको फॉग लाइट देखने को मिलेगी, और इसका अंदर का पैटर्न जो है 8 से 9 तरीके का पैटर्न है इसके अंदर दिया गया है, अलग अलग पैटर्न। तो ये स्विच, पहले फॉग लाइट एक लगाई हुई थी, फिलहाल अभी निकाली है, तो उसकी 1 स्विच थी, और ये वाली जो स्विच है ये अभी फॉग लाइट जो लगाई है उसकी स्विच है। तो ये वाली स्विच पहले वाली की है। तो ये स्विच आपको 100 रुपये के अंदर मिलेगी, 1 स्विच का 100 रुपये लगेगा। और ये लाइट जो है फॉग लाइट वो 1000 रुपये की मैंने परचेस की है, वो भी शॉप से खरीदी है, ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें इंस्टॉल नहीं है इसमें। तो ये वाला भी इंस्टॉल किया हुआ है गाड़ी के अंदर। तो ये वाला पड़ा था 700 रुपये का, ये भी शॉप से ख़रीदा है। तो आगे का कुछ आपको गाड़ी का इस तरीके से लुक देखने को मिलेगा। और ये गाड़ी का 2017 का मॉडल है गाड़ी का। तो अभी तक जो है इसमें इतना कुछ काम करवा के रखा है, अभी धीरे धीरे और भी ज़्यादा काम करवाने का ऐसा बात कर रहा था भाई। तो अभी क्या इंस्टॉल करेगा पता नहीं, लेकिन अभी तक का जो है इतना काम इसमें हुआ है।
तो ये जो भी काम हुआ है भाई ने लद्दाख के लिए सब रेडी किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई ने अच्छा खासा इसमें खर्चा करके रखा हुआ है, और भी ज़्यादा इसमें काम करवाने वाला है, तो और भी ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस आएगा। तो अभी इसके बाद क्या इंस्टॉल करेंगे हम लोग, उसका भी वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल अभी इतना जो है भाई ने काम करवा के गाड़ी में रखा है। अगर आपको भी लेना है तो शॉप से लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ऑनलाइन थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन चीज़ें ख़राब भी आ सकती है, इसलिए हम लोग जो है शॉप से ही जो भी चीज़ें लेना है तो शॉप से ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा ख़राब भी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। शॉप से आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट एकदम सही तरीके से आपको चीज़ें जो है मिल जाएगी। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको गाड़ी कैसा लगा है और सामान में क्या क्या आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट करें। मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय जलाराम बापा।